क्वेश्चन नंबर 5.2, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस, डज इट ऑल्सो चेंजेस विद टाइम? इफ सो ऑन वॉट टाइम स्केल डज इट चेंजेस अप्रिशिएबली? ठीक है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में पॉइंट से पॉइंट चेंज होता रहता है, क्या ये टाइम के साथ भी चेंज होता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखा गया कि समय समय पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और जो सिग्निफिकेंटली चेंज है उसके लिए लगभग 100 साल का वक्त लग जाता है। 100 साल में आप देख सकते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इवन इसके बाद सेकेंड पार्ट देखेंगे, द अर्थ कोर इज नोन टू कंटेन आयरन, येट जूलॉजिस्ट डू नॉट रिगार्ड दैट ए सोर्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म, वाई? अर्थ के जो कोर है उसके अंदर आयरन बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन जो जियोलॉजिस्ट है वो ये नहीं मानते कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो आयरन की वजह से होता है। ठीक है, तो उसका कारण है कि क्योंकि अर्थ के कोर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, और इतने हाई टेम्परेचर पर हमने पढ़ा है आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है, तो इसलिए ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द चार्ज करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ द अर्थ कोर आर थॉट टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म, वॉट माइट बी द बैटरी टू सस्टेन दिच करंट? तो अर्थ के कोर में एक नेट सर्कुलर करंट बनता है जिसके कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसका सोर्स क्या है ना, क्योंकि करंट को कंटिन्यूसली बहने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो इस एनर्जी का सोर्स क्या है? ठीक, तो क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और इतने हाई टेम्परेचर पर मे भी ऐसा हो सकता है कि अर्थ के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही हो जो कंटिन्यूसली इन सर्कुलेटिंग करंट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द अर्थ मे हैव इवन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सेवरल टाइम्स हिस्ट्री ऑफ 4 to 5 billion years, हाउ कैन जियोलॉजिस्ट नो अबाउट द अर्थ फील्ड इन सच डिस्टेंस पास्ट? ठीक है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर 4 से 5 billion years में अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है। ठीक है, तो जियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं, तो वो इतनी पुरानी हिस्ट्री को कैसे जानते हैं? तो देखो, हम एक प्रक्रिया पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से हम जो पुराने रॉक्स हैं उनकी उम्र का पता लगा लेते हैं। तो ये पाया गया कि जो बहुत पुराने रॉक्स हैं उनका जो मैग्नेटिज्म है वो बहुत वीक पाया गया। ठीक है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या हो सकता है? तो आपने पढ़ा है कोई मैग्नेटिक मटेरियल पर अगर हम कंटिन्यूसली अगर हम एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उसके पास उसकी रिटेंटिविटी की प्रॉपर्टी के कारण कुछ वो अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, और अगर हम उस पर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उसका जो पहले पुराना वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे कम होगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना शुरू होगा। तो इस तरीके से ये जो रॉक्स हैं पुराने इनके अंदर जो वीक मैग्नेटिक फील्ड पाया गया है, ठीक है, तो उसके तो उस समय क्या पता चलता है रॉक्स पर कभी ना कभी अपोजिट डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ। ये देखते हैं, द अर्थ फील्ड डिपार्ट फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप सब्सटेंटली एट लार्ज डिस्टेंस अबाउट 30,000 किलोमीटर, वाट एजेंसी में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्टोर्शन? ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हम चले जाएँ तो वहाँ पर हम देखते हैं अर्थ के जो मैग्नेटिज्म की शेप है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ के आसपास तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मानो जैसे किसी डाइपोल का हो, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखी हो, दूर जाने पर ये शेप चेंज हो जाती है। तो उसका कारण है कि जो आयनोस्फेयर होता है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गैसेस क्या होती हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, तो आयोनाइज्ड फॉर्म में, और वो जब मूव करती हैं तो उनका कुछ अपना मोमेंट करंट बनता है जिसके कारण वो भी अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड मॉडिफाइड हो जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एफ, इंटरस्टेलर स्पेस हैज एन एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to -12 टेस्ला, कैन सच ए वीक मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस? एग्जाम्पल, तो जो स्पेस है स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, 10 to -12 टेस्ला का है, तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ नतीजा हो सकता है? तो ध्यान से देखो, हमने पढ़ा अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे तो वो एक सर्कुलर मोशन करता है, उसकी रेडियस का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर रखा है इक्वल टू MB/Q, तो अगर बी की वैल्यू बहुत कम होगी तो आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मतलब अगर इंटरस्टेलर स्पेस में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट जाता है तो वो बहुत बड़े रेडियस के सर्किल में ऑर्बिट करेगा।